नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगी बीएड थर्ड पेपर से परिवार नियोजन की परिभाषा के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परिवार नियोजन का अर्थ केवल बच्चों के जन्म को जो है रोकना नहीं है। इसके अनुसार परिवार नियोजन तब होता है जबकि इन पांच लक्ष्यों को जो है पूर्ति की जाती है। जैसे कि पहला हुआ अनचाहे गर्भ को रोकना, दूसरा चाहने पर गर्भधारण करना, तीसरा दो गर्भों के बीच अंतर को जो है स्वयं निर्धारित करना, चौथा माता पिता की उम्र के संदर्भ में गर्भाधारण का जो है समय निश्चित करना, पांचवा परिवार में बच्चों की जो है संख्या निर्धारित करना। संयुक्त राष्ट्र 1974 में परिवार नियोजन की को जो है मूलभूत मानव अधिकार की संज्ञा दी और कहा कि किसी भी दंपति को परिवार नियोजन अपनाने से रोकना उसके मूलभूत मानव अधिकार को जो है उल्लंघन करना होगा। के उद्देश्य को देखें तो डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर के अनुसार परिवार नियोजन कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है। इसी कारण भारत सरकार ने अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बहुत पहले बदलकर परिवार कल्याण कर दिया था और इसके गर्भ निरोधक साधकों के अतिरिक्त प्रसूता तथा नए जन्मे बच्चे की देखभाल, युवा दंपतियों को माँ बाप संबंधी दायित्वों की सलाह, यौन शिक्षा तथा यौन संचरित रोगों की रोकथाम को सम्मिलित किया है। इस सबका एकमात्र उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐसे परिवार का निर्माण करना जो कि स्वस्थ हो। ये था परिवार नियोजन का परिभाषा और उद्देश्य। धन्यवाद।